वेलकम बैक गाइस इन द यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम देख चुके हैं रियल नंबर्स की दो एक्सरसाइजेस को, तो अब हम करने जा रहे हैं तीसरी एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लॉजिकल है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है। तो अगर हम इसको देखेंगे, थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स की। तो अभी हम इसमें देखने जा रहे हैं एक थ्योरम जो बताती हैं कि अगर P एक प्राइम नंबर है, इफ P इज प्राइम नंबर, अगर कोई नंबर है P, ये प्राइम नंबर है, अगर P डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, सिंपली सिमिलरली ये P जो है ये इस A को भी डिवाइड करेगा। दिस इज द थ्योरम 1.3। इसका प्रूफ इसने दिया है। तो इसके बाद हमें प्रूव करने हैं इसी बेसिस पे रैशनल क्वेश्चंस। तो हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया है इसने, प्रूव रूट फाइव इज इरेशनल। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर अब देखना है, ये इसको प्रूव करना है, रूट फाइव है, इसी को प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है कि नहीं है। मैथ्स में हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ गिवन है कि ये भाई इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको हम इसका उल्टा लेंगे, इसका वाइस वर्सा करेंगे, वाइस वर्सा। लेट एज्यूम रूट फाइव इज रैशनल, इसको हम मान के चलते हैं कि रूट फाइव जो है ये रैशनल है। वी नो दैट रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में, जहाँ पी कॉमा क्यू इंटीजर्स होते हैं और एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देयरफोर रूट फाइव अगर हमने मान लिया रैशनल है, रूट फाइव किसके बराबर आएगा, पी बाई क्यू फॉर्म में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और पी और क्यू जो हैं ये दोनों जो हैं ये है इंटीजर्स। तो अगर मैं अब q को इधर शिफ्ट करूँगा तो इट विल बी रूट फाइव टाइम्स q इज इक्वल टू p। तो अब क्या हो जाएगा, इसके बाद हम करेंगे इसका स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसमें ऐसे रूट फाइव q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, देन इट विल बी इक्वल टू रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाइव q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक। देयरफोर यहाँ से क्या पता चला, फाइव जो है ये डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, फाइव डिवाइड्स पी स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी नंबर है, पी कोई भी इंटीजर है, 13 है, 12 है, 11 है, 9 है, कोई भी है। तो यहाँ से पता क्या चला, फाइव जो डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, therefore 5 divides p also। किससे पता चला, theorem 1.1 से। तो इससे क्या पता चला, therefore 5 divides p also। तो हम क्या लिखेंगे, अब मैं ऐसे लिखूंगा, p
इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 5, एंड लेट इट बी सम इंटीजर c. अगर p 5 को डिवाइड, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, अब 5 p को भी डिवाइड करेगा. अब ये c क्या है? c इज एन इंटीजर. कोई भी मल्टीप्लाई में ले लिया, c कोई भी इंटीजर इसके साथ हमने रखा, तो p की वैल्यू जो हमने यहाँ से देखी, p की वैल्यू 5 c है. तो अगर ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, पुट p इन फर्स्ट, p की वैल्यू 5 के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है. तो इसके साथ हमने लेट सपोज मल्टीप्लाई एक इंटीजर रख दिया, तो इसकी वैल्यू हमने अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है. तो 5 क्यू स्क्वायर किसके बराबर आएगी? अब पी स्क्वायर की वैल्यू 5 सी और साथ में स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर आ जाएगा बराबर 25 सी स्क्वायर, 25 सी स्क्वायर. क्यू स्क्वायर किसके बराबर आया अपने पास? 5 1 5 5 5 25, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर. तो यहां से हमें पता चला. दूसरा, यहां 5 डिवाइड कर रहे हैं क्यू स्क्वायर को भी, एंड 5 डिवाइड करेगा क्यू को भी. तो एक चीज अब हमें यहाँ पे देख लेनी है, जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स. यहाँ तक अभी होल्ड करके को प्राइम नंबर्स, वीडियो को अगर आपने स्किप किया तो ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू लुक हियर को प्राइम नंबर. सपोज अगर मेरे पास 5 है और 9 है, 5 के फैक्टर्स देखूंगा 1 × 5, 9 के फैक्टर्स देखूंगा 3 × 3 × 1. इन दोनों नंबर्स में कोई नंबर कॉमन है? एक ही नंबर कॉमन है, दैट इज 1. सो इनका HCF जो आएगा दैट इज 1. सो दीज टू नंबर्स 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स. दे डोंट हैव एनी डिवाइजर एक्सेप्ट 1. सिमिलरली जो हमने P एंड Q चूज किए थे, P एंड Q हमने यहाँ पे चूज किए थे, पी ए क्यू, ये को प्राइम हमने मानने हैं. दीज आर को प्राइम नंबर्स. सो पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा. बट हमें यहाँ से क्या पता चला? पी 5 को भी डिवाइड कर रहे हैं. हेयर पी डिवाइड्स 5 ऑल्सो, Q divides, divisible by 5. So 5 क्या है? Common factor आ गया अपने पास. Five came out to be a common factor of P and Q को common factor आ गया. But हमें पता है P and Q are co-prime. P and Q जो हैं वो co-prime हैं. Therefore they can't have a common फैक्टर. तो हमें क्या पता चला इस चीज से? इस चीज से हमें ये पता चला जो P एंड Q हैं उनमें एक कॉमन फैक्टर है 5. लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो हमने पहले ही माना कि जो हमने P एंड Q लिए थे,
हमने एज्यूम किया था कि पी एंड क्यू जो हैं दे आर को प्राइम. जब हमने रूट फाइव को रैशनल नंबर माना था ये को प्राइम होंगे तो, बट ये को प्राइम नहीं है. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन. ये इस स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन. सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption. जो हमने माना था that root 5 is a root 5 is rational number. Therefore, root 5 is rational. तो ये चीज़ आपको समझ आ गई हो. इसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ जो प्रूव करना है, सॉरी जिसमें हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल. अगेन लेट 3 + 2√5 इज रैशनल. तो अगर ये चीज रैशनल है तो 3 + 2√5 किसके बराबर आएगा, a बाई बी या p बाई क्यू, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, इस फॉर्म में आएगा जहाँ पे b 0 के बराबर नहीं है एंड a एंड b आर को प्राइम. a और b जो है को प्राइम है, मतलब इनका फैक्टर एक ही है, कॉमन फैक्टर एक ही है, दैट इज वन नॉट अदर देन वन. तो हम क्या लिखेंगे अब, a बाई बी इज इक्वल टू 3 + 2√5. ठीक, तो 3 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, दैट विल बी a बाई बी माइनस 3 इज इक्वल टू 2√5. हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 3, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो b को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो g√5 इज इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाई b आ जाएगा आपके पास. टू रूट फाइव, अब 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे हम तो इट विल बी 3b/2b. √5 इज इक्वल टू 2b माइनस 3b/2b. b और b कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास बचेगा √5 इज इक्वल टू 2b माइनस 3/2. जो 2b है एंड 3/2, दिस a by 2b minus 3/2 is rational number. ये अपने पास rational number है. We know root 5 जो हमने assume किया था, sorry, root 5 is also rational number. But यहां पे एक contradiction फिर से arise होती है. The contradiction fact that root 5 is irrational. This contradiction has arisen because of our assumption जो हमने चूज की थी that 3 + √5 is equal to is rational number.
हमें यहाँ पे क्या पता चला, रूट फाइव भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर होगा, बट दिस कंट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरैशनल नंबर, बिकॉज अगर हम ये नंबर देखेंगे, ये इस नंबर के बराबर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि दो रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स कांट बी सेम. सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, हमें जो वहाँ से रिजल्ट्स मिले, ए बाई टू बी एंड माइनस थ्री बाई टू इज रैशनल नंबर, सो रूट फाइव इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि ये अगर रैशनल है तभी ये इस नंबर के बराबर होगा. बट दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरैशनल, क्योंकि हमें पता है रूट फाइव जो हैं दैट इज इरैशनल नंबर. रैशनल एंड इरैशनल कांट बी सेम, क्योंकि हमने जो एजम्पशन ली थी कि 3 + 2 रूट फाइव इसके बराबर आएगा, और इससे हमें क्या प्रूव हुआ, a बाई टू बी एंड माइनस थ्री बाई टू रूट फाइव के बराबर आया. तो ये अगर रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, बट रूट फाइव इज इरैशनल नंबर. रूट फाइव जो है वो इरैशनल नंबर है. रूट फाइव इज रैशनल नंबर, देयरफोर रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरैशनल नंबर. सो हेंस आवर कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफोर 3 + 2 रूट फाइव इज इरैशनल नंबर. इसके बाद और एक क्वेश्चन है, सेम सिंपल क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग आर इरैशनल. यहाँ पे पहला जो है 1/√2, सेम मेथड वी विल अप्लाई, वी विल सी दैट इसको इरैशनल नंबर मानेंगे, इज रैशनल, बट वी विल सपोज 1/√2 इज रैशनल, एज्यूम. तो 1/√2 जो है वो किसके बराबर आएगा, a बाई बी, वेयर b इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b आर इंटीजर्स. ये हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है. तो इसे क्या होगा, ये रूट टू अगर हम लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल टू ए बाई बी, इसको अगर हम शिफ्टिंग करेंगे तो b इज इक्वल टू रूट टू ए, तो रूट टू विल बी इक्वल टू b बाई ए. रूट टू किसके बराबर आया अपने पास, b बटा a के पास. सिमिलरली अगेन b बाई ए जो हमने माना है, b by a is rational, but we know root 2 जो है, root 2 is irrational. This is proven already कि root 2 जो है अपने पास irrational है, but हमें 1/√2 को प्रूव करना है कि ये irrational number है. अभी हमने root 2 देख लिया, this is irrational. अब हमें यहाँ पे अपने पास आया a बाई बी इज रैशनल नंबर, हम b a बाई बी भी वापस लिख सकते हैं, दिस इज रैशनल. अब अगर कोई बोलेगा कैसे, अगर मैं लिखूँगा 1 / 2 क्या होता है, 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, 2/1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर. सो वी नो दैट रूट टू इज रैशनल नंबर, देयरफोर रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरैशनल नंबर, देयरफोर a बाई बी इज नॉट इक्वल टू 1/√2.
हैंस ए बाई बी हमने क्या माना था, रैशनल नंबर, ये किसके बराबर है, 1 बाई टू के बराबर नहीं है, देयर फोर हैंस 1 बाई रूट टू इज इरेशनल। सिंपल, नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। इसके बाद अगर हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, 7 रूट 5, 7 रूट 5 को क्या करना है, प्रूव इरेशनल। सेम, ए बाई बी को हम मान लेते हैं 7 रूट 5, एज्यूम 7 रूट 5 इज रैशनल। इसको हमने मानना है कि ये रैशनल नंबर है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, रूट फाइव इज इक्वल टू ए बाई 7 टाइम्स बी। वी नो ए बाई 7 टाइम्स बी इज रैशनल। ये नंबर है रैशनल, बट रूट फाइव इज इरेशनल। रूट फाइव जो है वो इरेशनल है, देयरफोर रूट फाइव इज नॉट इक्वल टू ए बाई 7 टाइम्स बी, क्योंकि रैशनल नंबर वुड नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर्स। देयरफोर हमने क्या माना, जो रूट फाइव है, रूट फाइव इज इरेशनल, देयरफोर 7 टाइम्स रूट फाइव विल बी ऑल्सो इरेशनल, क्योंकि रूट फाइव जो है वो इरेशनल है। 7 मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई इंटीजर विल ऑलवेज गिव अस ए इरेशनल नंबर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेम लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आप इसी तरीके के साथ करोगे, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। डू फॉलो, डू शेयर, डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू सो मच।